जिस स्कूल में बच्चे नियमित उपस्थिति देने में कतराते थे, वहाँ एक शिक्षिका ने कलात्मक और सृजनात्मक नवाचार शुरू कर दिशा ही बदल दी है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर जिले के सीतापुर स्थित आदर्श नगर मिडिल स्कूल की शिक्षिका ने अपने दम पर शिक्षा की नई राह बच्चों को दिखाई है। बच्चों के लिए अब यह शिक्षिका रोल मॉडल बन चुकी है। शिक्षिका ने बच्चों को रोल प्ले से कलात्मक शिक्षा देनी शुरू की और आधुनिक शिक्षा के लिए एक माह के वेतन से लैपटॉप भी खरीदा। शिक्षिका ने इस नवाचार से बच्चों में रचनात्मक के साथ नियमित स्कूल आने की ललक जगाई है। जिले के सीतापुर के आदर्श नगर मिडिल स्कूल में कहानी, कविता और नई नई विद्याओं से शिक्षा देने की शुरुआत करने वाली शिक्षिका स्नेहलता टोपो क्षेत्र ही नहीं, जिले के उन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्रेरणा है जो स्कूल सिर्फ नौकरी के उद्देश्य से आते हैं। शिक्षिका स्नेहलता ने स्कूल में कलात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों से पढ़ाई शुरू कराई। इससे बच्चों में उत्साह आया और पहले जहां घर घर सूचना भेजकर बच्चों को स्कूल बुलाया जाता था, वहीं अब बच्चे रोज उत्साह से स्कूल पहुंचने लगे हैं। शिक्षिका ने बच्चों को रोल प्ले से अलग अलग टॉपिक देकर पढ़ाई करना शुरू किया तो उनमें और रुचि जागृत होने लगी। रोज पढ़ाई के लिए नए नए प्रयोग भी शिक्षिका द्वारा किए जाते हैं। नृत्य, गीत के साथ रचनात्मक गतिविधियों के लिए कविता, कहानी, नियमित लिखने की आदत बच्चों में डाली गई। बाल श्रम, नशापान, जन जागरूकता से जुड़ी लोक नाटिका भी स्कूल के खाली समय में कराने लगी। अब थोड़ा सा उस सघन से थोड़ा सा और, यानी कि नींबू की मात्रा जो है वो कम करके देखे हम लोग। ज्यादा नींबू में भी देखे, अब थोड़ा कम मात्रा में देखते हैं क्या होता है। देखो